अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। बार एसोसिएशन जमो, बार एसोसिएशन जमो, बार एसोसिएशन जम्मू ने आज एक रैली कोर्ट प्रीमिसिस से शुरू की, और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में युवा राजपूत सभा, जो एक हमारी स्टेट की यूटी की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो साथी हमारे साथ मिले, और जूँ ही रास्ते में हम मिलते आए चलते आए तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जो डेली वेजर्स हैं वो भी हमारे साथ मिले। तो ये जो आवाम की लड़ाई आज की डेट में बन चुकी है, बार एसोसिएशन ने एक कॉल दी थी, सबसे पहले उन्होंने अपील की थी एलजी साहब के सामने और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स हमारे कोर्ट प्रीमिसिस के अंदर जानीपुर में बनना चाहिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन का काम, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसमें डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसमें हमारे सारे कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर कमीशंस, ह्यूमन राइट्स कमीशन और जितने भी जुडिशल और क्वाजाई जुडिशल हमारी बॉडीज़ हैं, जिनके साथ वकला साहिबान और जनरल पब्लिक जो हैं उनका ताल्लुक रहता है, वो सारे बड़े आराम से इस जुडिशल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें और वहाँ से हम लोगों का काम हो। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ युवा राजपूत सभा के ऑफिस बीरर्स, प्रेसिडेंट साहब भी मेरे साथ हैं, वाइस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी साहब है साथ हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज़ हैं, जिन लोगों की ये डिमांड है। पिछले साल भी मैंने भी इनके साथ मिलकर के इसी जगह से रिक्वेस्ट की थी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि महाराज हरि सिंह जी, जिनकी ये स्टेट है, जो इस स्टेट के मालिक हैं, जिन्होंने ये स्टेट खुद परचेज की थी, जिस स्टेट का हिस्सा जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख और गिलगित है, उनके बर्थडे पे छुट्टी होनी चाहिए। ये डिमांड जब मानी गई, ये डिमांड हम ये सोच रहे थे, मेरे नोटिस में ये बात लाई गई थी कि एलजी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको आश्वासन दिया था कि हम इस दिन को बर्थडे, इनके बर्थडे को हम छुट्टी डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन आज तक महाराज साहब के बर्थडे की छुट्टी भी डिक्लेयर नहीं हुई। मैं आपको मीडिया के मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। महाराज हरि सिंह जी एक इंस्टीट्यूशन थे इन हिमसेल्फ, उनके लिए छुट्टी तो एक बहुत छोटी सी बात है, उस छोटी सी बात को लेकर के भी आपने इतनी अड़ी लगाई हुई है और इतनी अड़चने आप डाल रहे हो, जिसके लिए एक मिनट में आप अपने ऑफिस में बैठ कर के आराम से उस पर्टिकुलर डे को आप हॉलीडे डिक्लेयर कर सकते हो। पीएचई एम्प्लॉइज, जो लोग 28 साल से डेली वेजर का काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे घरों में पानी आज हमें पिला रहे हैं, हम आप लोग जो मीडिया के लोग जो हमारे सामने खड़े हो, आवाम के लोग जो हमारे सामने खड़े हैं, उन सब का जो वाटर एक असेंशियल कमोडिटी है, असेंशियल कमोडिटी को हर घर में ये लोग पहुंचा रहे हैं, आपने अनदेखी की इनकी डिमांड्स की, इनके राइट्स बनते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने, मैंने पहले भी कहा, SRO 64 निकाला था, उसमें कोई कंडीशंस लेड डाउन थी, हमने ये कहा कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट के टाइम पे यहाँ बनी थी जब ये स्टेट गवर्नमेंट थी, आज आप उसको लिटिल बिट मॉडिफाई कर लीजिए, 7 के बजाय 10 साल कर दीजिए, लेकिन इन हमारे साथियों के, हमारे भाइयों के, जो इतने दिनों से पूरी जम्मू सूबे के अंदर एजिटेशन कर रहे हैं और हम लोगों को पानी पिला रहे हैं, इन लोगों की डिमांड्स जो जायज़ डिमांड्स हैं उनको मानना चाहिए और इनकी सर्विसेज रेगुलराइज करनी चाहिए। इनकी जो अनपेड सैलरी है, मुझे ये भी पता चला, सैलरी जो है इट इज़ ए राइट ऑफ एन एम्प्लॉई, इट मस्ट बी पेड टू एन एम्प्लॉई इमीडिएटली। अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे डेली वेजर्स हैं जिनको आज तक सैलरी नहीं मिली है। ये सारी बातों को लेकर के बार एसोसिएशन की मेन डिमांड्स
जो हम मैंने आपके साथ अभी गिनी है कि हमारा एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, जहां पे सारी की सारी अदालतें जो हैं वो सिचुएट करनी चाहिए, ताकि लोगों को, पब्लिक को और वकला साहिबान को कोई नुकसान ना हो और इंसाफ की इंस्टीट्यूशन एक ताकतवर इंस्टीट्यूशन जो है के तौर पे उभरे। दूसरी प्रिसाइज डिमांड हमारी ये है, महाराज हरी सिंह जी जो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, जिनका इंटरनेशनल स्टेचर था, उनके नाम की आपको शर्म आनी चाहिए कि उनके नाम की आज तक आपने उनके बर्थडे पर शुक्र नहीं। तीसरी हमारे एम्प्लाइज की जो डिमांड्स थी वो मैंने आपके सामने वो भी ले कर दी। ये तीनों डिमांड्स को लेकर के आज वकला साहिबान, पीएचई के एम्प्लाइज और युवा राजपूत सभा के लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमने इंडिपेंडेंस डे को नजर में मद्देनजर रखते हुए अपने हाथ में तिरंगा झंडा जो है ये हाथ में हमने लिया हुआ था, और हम अपनी देशभक्ति जो है उसको एग्जिबिट कर रहे थे, बता रहे थे हम देशभक्त हैं और नेशनल फ्लैग लेकर के हम इंसाफ आप लोगों से मांगने आए हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, आप बेइंसाफी की तरफ हमें धकेलोगे, तो हमारे पास दूसरी कोई डिमांड नहीं है। हमें 15 अगस्त किस तरह से बात देखेगी आगे आने वाले दिनों में, किस तरह इनके साथ सहयोग करेगी, किस तरह से लड़ाई करेगी? देखिए, हमने ये बोला हुआ है बार एसोसिएशन और युवा राजपूत सभा जो है ये यूनाइटेडली पीएचई एम्प्लाइज के साथ भी वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे वे लोग हमारे साथ आज की डेट में खड़े हैं। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन Facebook डू फॉलो आवर Facebook पेज।